हम लोग बिना पानी के रह नहीं सकते, हमें पानी की काफ़ी ज़रूरत है, प्यास लगती है और गर्मियों में ये हाल और बढ़ जाता है। लेकिन उन पक्षियों, उन जीव जंतुओं को क्या जो पानी के बिना घूमते हैं। एक और नई वीडियो के साथ आज आपको दिखाते हैं एक सेवा ऐसी और उन पशु पक्षियों और उन जीव जंतुओं का हाल। ये पक्षी प्यासा है, ये जानवर प्यासे हैं। हम लोग पानी के बिना रह नहीं सकते, जीने के लिए हमें पानी की काफ़ी ज़रूरत है। दिन में कई कई बार हम पानी पीते हैं, लेकिन इन पशु पक्षियों, इन जीव जंतुओं का क्या जो सड़कों पर घूमते हैं, जो पार्कों में घूमते हैं, जो खुले आसमान में घूमते हैं, जो उन जंगलों में रहते हैं जहाँ की नदियाँ भी सूख रही है। पार्कों की बदहाल व्यवस्था तो सबको पता है, लेकिन इन पक्षियों, इन जीव जंतुओं का हाल काफ़ी ख़राब है। मौसम के साथ साथ गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, गर्मी का प्रकोप काफ़ी भारी पड़ रहा है। इंसान तो इंसान, पशु पक्षी जानवर सब परेशान है। मौसम कभी साफ होता है तो कभी गर्मी पूरी ज़ोरदार पड़ती है। हम लोग आज 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, हमारी 21वीं सदी काफ़ी स्मार्ट है, पानी की तो बहुत ही निराली है। हम लोग पानी बेवजह बहाते भी हैं, बेवजह उसका सदुपयोग भी करते हैं, लेकिन जिन्हें पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, इन पशु पक्षियों, इन पक्षियों, इन जीव जंतुओं को कई बार इन्हें कई कई दिनों तक पानी नहीं मिलता। ये प्यासे रहने को मजबूर हो जाते हैं, जिस कारण से इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। कई पशु पक्षी मर जाते हैं प्यास के, कई जीव जंतु पानी के बिना रह नहीं पाते। लेकिन करनाल के कुछ लोग, निफा की तरफ से एक संस्था और कुछ लोगों की सेवा ऐसी है, ये कोशिश कर रहे हैं कोई भी पक्षी, कोई भी जीव पानी के बिना ना रह सके, इसलिए ये मिट्टी के कसोरे जगह जगह रखते हैं, लोगों को बांटते हैं ताकि लोग इसे अपने छत पर और घर के बाहर रख सके, ताकि कोई जीव, कोई पक्षी इससे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सके। पार्कों में भी ये खुद जाकर रखते हैं और आसपास के व्यक्ति की ड्यूटी लगाते हैं सुबह शाम उसमें पानी भर सके और उस पानी के माध्यम से उस जीव की प्यास बुझ सके जो बिना पानी के रह नहीं सकता। मेरा नाम सतेंद्र गांधी है, मैं निफा टीम का सदस्य हूँ। अब ये पेड़ है, पेड़ हमें छाया दे रहा है, हम उसका छाया का आनंद भी ले रहे हैं। जब हम छाया से निकलेंगे कहीं बाहर, हमें प्यास लगी तो हम पानी पी सकते हैं। अब जो पक्षी हैं, पेड़ों पे बिचरने वाले जीव जंतु हैं, उनको लिए तो बहुत भारी समस्या है। वो गर्मी के लिए पानी को तरसते हैं, पार्कों में कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं किया गया। भगवान ने हमें सेवा सौंपी कि कसोरे लगा के बाग में, पार्क में या कहीं भी उसमें जल डाला गया। इसको कसोरा बोलते हैं, जैसे हमारे खाने के बर्तन होते हैं, जैसी पक्षियाँ कह लो, चिड़िया कह लो, उन सबके खाने का बर्तन है, पीने का बर्तन है ये। जैसे हमें प्यास लगती है, आज की डेट में 45 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है और इतनी गर्मी के अंदर जिस हिसाब से हमें प्यास लग रही है, डेली हमें 5-6 लीटर पानी का चाहिए, उसी हिसाब से पक्षी हो गए, जानवर हो गए, बेजबान जानवर है, उन सबको भी पानी की बहुत ज़रूरत है। हम जगह जगह चौराहों में, पार्कों में, पेड़ के नीचे ये पानी के कसोरे रख रहे हैं निफा संस्था द्वारा, जिससे अपना गिलहरी होगी, अपना जानवर हो गए, कुत्ता हो गया या बिल्ली होगी या पेड़ पक्षी हो गए, जो भी हो गए, सारे के सारे आके यहाँ से पानी पीते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर और गर्मी ने किया हुआ है लोगों को बेहाल। हमारी तो बात चलो अलग है, हमें तो पंखे की ठंडक मिल जाती है, एसी की मिल जाती है, साथ में कभी कभी हम हवा का भी सुख ले लेते हैं, लेकिन इन पक्षियों, इन जीवों का क्या जिन्हें कई बारी पानी भी पीने को नहीं मिल पाता। ये सेवा एक अच्छी सेवा है, कोशिश है एक अच्छी लोगों को जागरूक करने की, क्योंकि गर्मी ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। लोग तो बेहाल भी हैं, गरेक गर्मी का सितम, ऊपर से बिजली का भी सितम लोग सह रहे हैं, लेकिन ये पक्षी और ये गिलहरियाँ, ये जो जीव जंतु कुदरत के बनाए हुए हैं,
इनको भी थोड़ी सेवा की जरूरत है, आपकी हमारी सहयोग की जरूरत है। हमने कई पार्कों में और कई चौकों पे अभी तक कई कसोरे रख चुके हैं। अब तक हमने 300 कसोरे बनाए थे जिसमें 250 के करीब हमने बांट चुके हैं, और अभी हमने और भी ऑर्डर दिया बनने के लिए। हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, किसी से कोई चार्जेस नहीं है। कोई लेना चाहता है तो हमसे संपर्क कर सकता है, निफा की टीम से किसी भी मेंबर से संपर्क कर ले, वो आपको कसोरे जरूर प्रोवाइड करवाएगा, चाहे वो घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं पार्क में रखना चाहते हो। लेकिन ये है कि जिम्मेदारी से रखे। और हमें बहुत अच्छा लगता है जब गिलहरियाँ गर्मी में आती हैं, पानी पीती हैं, और हमारे मन को सुकून मिलता है। पक्षियों को पानी मिल जाए गर्मी में, इसमें बैठ के नहाते हैं तो अच्छा लगेगा। देखती हूँ तो मैं जरूर डाल के जाती हूँ, ये डोंगे रखे हैं तो इस पानी डाला जाता है। अच्छी सेवा, बहुत अच्छी सेवा है। ये कहूँगी कि जो आपके घर के बाहर रख सकते हैं, बाहर रखे, खाने के लिए भी रखे, पानी के लिए भी रखे, उसमें पानी डाल ले। ये ना हो कि ले ले और छोड़ दे कि नहीं हम पानी नहीं डाल ले। उसे पानी डालने की जो जिम्मेदारी लेगा वो हमसे ले सकता है। मैं सभी साथियों से और करनाल वासियों से अपील करूँगा, आप भी अपने घर के आस पास जितने भी खाली जगह है जहाँ पंछी आते हैं, गिलहरियाँ आती है, उनके लिए कसौरे रखे और उनमें सुबह शाम पानी डालें। बदलते मौसम के साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही है, कई जीव जंतु, कई पक्षी, कई पशु ऐसे हैं जिन्हें पानी भी कई बार नसीब नहीं होता। हम लोग दिन में कई बार पानी पीते हैं, लेकिन ये जीव जो है इन्हें पानी कई बारी नसीब भी नहीं होता। ये पानी के लिए भटकते रहते हैं, तलाश करते हैं कोई इनकी प्यास बुझाए, और यही सेवा ये कुछ लोग कर रहे हैं। आप भी कुछ ऐसी सेवा कीजिए अपने घर के बाहर, कुछ इस तरह से पानी की व्यवस्था कीजिए, गलियों में कीजिए, पार्कों में कीजिए, यहाँ ज़रूरी है। जंगलों में तो खैर हम नहीं जा सकते, लेकिन जितना हम हो सकता है, हमसे हो सकता है, हम करें, क्योंकि यही इंसानियत है। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो अपना।